किचन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मखाने की सब्जी। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, छोटा चम्मच से डालेंगे तेल हम। तेल थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज लिया हमने, इसे बड़े बड़े स्लाइस करके रख लिए हैं। और एक शिमला मिर्च है, इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे थोड़ा भूंज लेंगे, हल्का ये नरम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा भुंजा जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तेल हमारा है अभी कढ़ाई में, इसी में हम एक कटोरी दाल मखाना लिए हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे ऐसे। इसे ज़्यादा तेल डाल के नहीं फ्राई करना, इतने तेल में ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल मखाना भी हमारा भुना के तैयार हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 2 छोटा चम्मच तेल फिर से डालेंगे कढ़ाई में। तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए, इसे काट लिए हैं, इसे डाल लेंगे। ये 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं, इसे भी डाल लेंगे। और एक छोटा अदरक है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज अदरक लहसुन हम इसमें डाले हैं वो थोड़ा सा भुंजा गए हैं, इसे हम ज़्यादा नहीं भुंजेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर हैं, इसे हमने काट लिया है। ये कुछ काजू लिया है मैंने, 10 से 15 काजू हैं, इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। और ये 10 से 15 काजू और लिया मैंने, इसे 20 से 2 कर लिए, जिसे हम सब्जी में डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे थोड़ा भूंज लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। हम इसे थोड़ी देर भूंज लेंगे, जब तक हमारा टमाटर गल जाएगा तब तक हम इसे भूंजेंगे। ये देखते हैं, हमारा भुन आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करके मिक्सी में इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गैस पे हमने फिर से कढ़ाई चढ़ा ली, हम उसी कढ़ाई पे सब्जी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, बड़ा इलायची, 2 लौंग डाला है मैंने, और ये 1 छोटी इलायची।
इसे हम थोड़ा भूंज लेंगे, इसे जलने नहीं देंगे, जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स, जो हमने ग्रेवी पीसा है उसे डाल लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में से धीरे धीरे तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डाल लेंगे जो काजू लिए थे, इसे भूंजेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसे डालें और अगर नहीं चाहेंगे तो आप इसे नहीं भी डालेंगे तो भी सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये सिर्फ कलर के लिए रहती और ज़्यादा तीखी नहीं रहती है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुंजा गया है, इसमें तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे ये प्याज और कश्मीरी मिर्च, जिसे ये देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च और प्याज भी हमारा अच्छी तरह से भुना गया है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये इस साइज़ के ग्लास से 3 ग्लास पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में से धीरे धीरे तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डाल लेंगे जो काजू लिए थे, इसे भूंजेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब हम दाल मखाना जो तल के रखे थे उसे डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच खत्री वाला गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ढक्कन लगा देंगे और 5 से 10 मिनट धीमी आंच में इसे पकने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी कितनी अच्छी तरह से भुना गई है, तेल भी छोड़ दिया और इसका पानी भी सूख गया है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखाने की सब्जी बनके तैयार हो गई। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।